प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो चर्च है, हमने उसका पर्पस देखा, उसका एम देखा, प्लस अब चर्च का टारगेट क्या है, टारगेट क्या है और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस बारे में, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। मैं जो है 18 आयत से पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 आयत से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सबको सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, उसके लहू से है, और कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई धर्म नहीं बदलना है, मन बदलना है, मन बदलना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसका नतीजा जो है मोक्ष है, उद्धार है, नजात है, और जो नजात लेगा, जो मोक्ष लेगा, मोक्ष पाएगा, जिसका व्यक्तिगत अनुभव होगा, जिसके पाप धुल जाएंगे वो इस बात का अनुभव करेगा और उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। ये सिर्फ यहूदियों में नहीं, क्या लिखा है, सब जातियों में। और देखें क्या हुआ, जब ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के लोग जो उसके बनाए हुए हैं, सच्चे परमेश्वर की तलाश में निकले, उनकी तलाश प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, और नतीजा क्या हुआ, अन्य जातियों से, सारी जातियों से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा और मोक्ष का, नजात का अनुभव किया। कथा कहानियां नहीं, सिर्फ थ्योरिया नहीं, इसका वास्तविक अनुभव अपने जीवन में किया, और नतीजा क्या हुआ, अनंत जीवन, जिसका वर्णन बाइबल में कई बार आया। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा दल, जिसे कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत पुरुष अन्य जातियों से प्रभु के पास आए। शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई थी। कहां तक पहुंच गई, इतने कि अनगिनत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अन्य जातियों से, वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि क्या एक मुस्लिम भाई को, एक हिंदू भाई को, एक क्रिश्चियन को, एक सिख को अलग अलग परमेश्वरों ने बनाया, एक एशियाई आदमी को, एक अफ्रीकन आदमी को, एक यूरोपियन आदमी को क्या अलग अलग परमेश्वर ने बनाया, नहीं, उनको बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। और क्या हार्ट अटैक सिर्फ एक ग्रुप को आता, क्या कैंसर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को, जो काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, और इस रीति से आएगा, नहीं, सब में। और क्या दवाइयां भी, एक डिस्प्रिन की गोली हार्ट अटैक में सिर्फ क्या गोरे व्यक्ति में काम करेगी, क्या काले व्यक्ति में काम नहीं करेगी, करेगी। क्या किसी काले व्यक्ति के फेफड़े अलग हैं गोरे व्यक्ति के अलग हैं, क्या उसका हृदय अलग है,
क्या उसकी किडनी अलग है, क्या उसकी आंखें, उसका ब्रेन अलग है? नहीं नहीं, ये डिफरेंस हमने करा, पृथ्वी के लोगों पर आया। इसलिए प्रभु ने जब अपना वचन कहा तो कहा सब जातियों में जाओ, क्योंकि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। उद्धार का सुसमाचार ईमानदारी से सारी जातियों में, सारी पृथ्वी। नतीजा 11 चेलों से जो शुरुआत हुई, फिर 120, 3000, 5000, फिर एक कंट्री, दो कंट्री, और 232 कंट्रियों में से आज 160 कंट्री से ज्यादा मसीह, और जो 5000 से 450 करोड़ लोग आज इस दुनिया में 2000 साल में। क्यों? इसमें इतनी वास्तविकता थी, इतनी वास्तविकता थी। और प्रभु चाहता है कि आप भी इस वास्तविकता को जाने, इससे आप दूर न रहे, अपने कॉम्प्लेक्सेस दूर करके प्रभु इस मसीह के पास आए, सिर्फ विश्वास करें, उसकी ओर देखें, मोक्ष का अनुभव, पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें। हाय, हम अपने अध्ययन पे चले। सो ये जो टारगेट है, जो चर्च का, कलीसिया का, एकलेसिया का टारगेट है, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय में कहा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। और मत्ती रचित सुसमाचार में जो हमने देखा, मत्ती रचित सुसमाचार का जो हिस्सा, वो कि सारी जातियों में जाओ, उन्हें मेरा चेला बनो, सच्चाई से, उन्हें ईमानदारी से जो है इस बात का जो है सुसमाचार दो कि पैसा नहीं, कलर नहीं, एजुकेशन नहीं, पोस्ट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। जैसे दवाई गोलियां पर आप विश्वास करते हैं, बस वैसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को ये कह करके कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरा स्वामी बन, मेरे पाप को धो, मुझे उद्धार का अनुभव दे, और आप इसे पाएंगे। और जैसे हमने देखा कि सुसमाचार का जो विस्तार है वो यरूशलेम से आरंभ हुआ और फिर सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पेंटिकोस्ट के दिन ये हुआ, यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक। इसके परिणाम आज हमें जो आज्ञा प्रभु ने कही थी कि ठहरे रहना यरूशलेम में जब तक सामर्थ न पाओ। और जब वो सामर्थ आया, तब आपको याद होगा पेंटिकोस्ट के दिन आरंभ हुआ, आज तक जारी है। और भारत में प्रभु का चेला थोमा आया साउथ इंडिया में, और यहीं उसकी मृत्यु भी हुई। और फिर यरूशलेम से जो है वो आरंभ हुआ, यरूशलेम से पेंटिकोस के दिन ये आरंभ हुआ, और धीरे 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 करके जो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने करी थी, वो इन पे उतरा, वो आज भी है, उतना ही प्रभावशाली।
और जो प्रभु का टारगेट था दुनिया के हर कान में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच जाए, आज लगभग पहुंच गया। जैसा मैंने बताया, दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं और मोबाइलों की संख्या 900 करोड़ से भी ज्यादा है। ये कुछ समय पहले का डाटा था, आज वो मोबाइलों की संख्या 1100 करोड़ 750 करोड़ नहीं, 1100 करोड़। कईयों के पास डबल ट्रिपल मोबाइल, और इस मोबाइल से जो है प्रभु ने सारे लोगों तक जो है अपने उस सुसमाचार को फैला दिया। जितनों ने विश्वास कर उन सबको प्रभु ने जो है उद्धार का अनुभव दिया। और फिर यहूदा के बाद सामरिया, और धीरे धीरे जो है प्रभु के चेले जो है यरूशलेम से आगे बढ़े और यहूदिया और सामरिया के क्षेत्रों में आए, और फिर सामरिया में फिलिप जो है फिलिपुस जो है उसने उस अपंग व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, और फिर जो है दुनिया के अंतिम क्षेत्र तक यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के अंत तक। और जैसा मैंने डाटा बताया कि जो है हर व्यक्ति आज जानता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को हर व्यक्ति जानता है, और प्रभु का वचन कहता है चाहे वे माने या न माने प्रभु का द्वितीय आगमन होगा। प्रभु का पहला आगमन भी ऐसे ही हुआ था। कई लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, ओहदे पर बैठे हुए लोगों ने, पैसे वालों लोगों ने, पूरे समाज ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए। वैसे ही दूसरी बार भी उनका प्रगटीकरण निश्चय, और प्रभु कहते हैं हर घुटना उनके आगे झुकेगा, हर जिबान उनका अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और जो है जो बात आरंभ हुई थी 11 चेलों से, उसके बाद हम 10वें अध्याय में देखते हैं कि पहले यहूदी लोग, और 10वें अध्याय के प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम देखते हैं कि पतरस कर्नेलियस के घर में आया, सब गैर यहूदी लोग थे और उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा जब उतरा तो पतरस बोलता है मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा तो परमेश्वर पिता देते हैं, और परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोल दिया। और यह शुरुआत कहां से हुई थी, कर्नेलियस के घर से, जिसका वर्णन 10वें अध्याय प्रेरितों के काम के पुस्तक में, और सारे लोगों में आनंद आ गया। और देखें गुरु तो गुड़ रह गए और चेले जो है शक्कर हो गए, और फिर अन्य जातियों के बाद पौलुस तर्सुस में, और फिर महाद्वीपों में, एशिया में पौलुस फिरता रहा, महाद्वीपों में, देशों में, अन्य अन्य स्थानों में परमेश्वर का वचन ऐसा फैलता गया। और मैंने आपको कहा कि भारत में भी जो है प्रभु का एक दास, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसे थोमा के नाम से जाना जाता है, वो आया
और अपनी मृत्यु तक वो यही रहा और भाला भोग करके उसकी हत्या की गई। और उस जगह जहां हत्या की गई एक चर्च बना हुआ है, आज भी लोग वहां रहते जाते हैं, देखने जाते हैं। जो काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस पेंतिकोस्त के दिन आरंभ किया था, यरूशलेम से यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक, और पवित्र आत्मा उतरा पतरस यहूदियों में, फिर फिलिपुस पतरस और यौन्ना अन्य सामरिया के देशों में, और पौलुस जो है अन्य जातियों में। देखिए ये प्रभु का तरीका है। और प्रकाशित वाक्य में तो हम देखते हैं कि अन्य जातियों से लोग जो आए उनकी गिनती अनगिनत, जो ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह को या ईमानदारी से उद्धार के खोज में थे, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई और प्रभु ने इन्हें अपना बेटा बेटी बनाया, प्रभु ने इनका उद्धार किया, प्रभु ने इनको पवित्र आत्मा दिया, प्रभु ने इनको आशीष दी। कोई मनुष्य नहीं, कोई संस्था नहीं, ये हमारा प्रभु। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर, और हम भी इसके परिणाम हैं। आज जो हमारे जीवन में कार्य हुआ वो हमारे कामों के कारण से नहीं, लेकिन ये प्रभु की दया से, और वही प्रभु आज भी दयावान थे, करुणामय, विलंब से कोप करने वाला है। आप भी उसके पास आ सकते हैं अपनी मृत्यु के पहले, उसके द्वितीय आगमन के पहले ये निर्णय करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे और मुझे अपना बेटा बेटी बना, मुझे उद्धार का, मुझे मोक्ष का, मुझे नजात का अनुभव प्रदान। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आई दुआ में अपने सर्व प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है जगत के अंत तक अपना टारगेट रखा, अपनी कलीसिया का टारगेट जो यरूशलेम से आरंभ हुआ वो पृथ्वी के छोर तक रहा, और उसका परिणाम हम स्वर्ग में देखते हैं। अनगिनत लोग सारी जातियों से जिन्होंने सच्चे परमेश्वर की तलाश करी, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई और आपने उन्हें स्वर्गीय जीवन दिया, उन्हें नजात दी, उन्हें मोक्ष दिया और अनंत काल तक वे आपके सामने। सो प्रभु हम उन्हीं में से एक हैं जिनके माता पिता अन्य जातियों में से थे, हमारे पूर्वज भी प्रभु उन्हीं में से थे, लेकिन आपने हम पर दया करी और हमारे कामों के कारण से नहीं, लेकिन अपने अनुग्रह के कारण से, अपनी दया के कारण से कि हम आप पर विश्वास करें, और वो विश्वास के कारण जो पाप को मृत्यु को हटाने के लिए जो मेडिसिन ली वो मोक्ष की थी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया उस मोक्ष को देकर के। ये कथा कहानी हमारे जीवन के लिए वास्तविकता बन गई। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर शमा इस्राएल याहवे एलोहेनु याहवे एहद। हियर ओ इस्राएल, द लॉर्ड इज आवर गॉड, द लॉर्ड अलोन।